हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज करंट के एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियातवारी सिस्टम के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो रियातवारी सिस्टम है, आखिर ये सिस्टम क्या है, इस सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था और बाद में इसे किसने डेवलप किया और ये सिस्टम आखिर कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो जो परमानेंट सेटलमेंट वाला वीडियो था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि 12 अगस्त 1765 को ब्रिटिश को दीवान बना दिया गया था बंगाल का। उसके बाद एक फेमाइन आया था 1770 में, और ये किसके चलते आया था? ये आया था इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते जो बंगाल में था। जो बंगाल में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उसके चलते ये फेमाइन आया था, और इसमें जो बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन है वो मर गई थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम लोगों ने देखा था महलवारी सिस्टम वाली वीडियो में कि महलवारी सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना था। उसके बाद महलवारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम लोगों ने जाना था। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज करंट को, तो ज़रूर कर लीजिए ताकि हमसे जुड़ी कोई भी अपडेट आपको मिले सबसे पहले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं रियातवारी सिस्टम के बारे में। तो ये जो रियातवारी सिस्टम है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था जो साउदर्न ब्रिटिश की टेरिटरीज थी ना, तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये जो साउदर्न इंडिया है, यहाँ पे जो टेरिटरीज थी ब्रिटिश की, वहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो बंगाल है, यहाँ पे तो किया गया था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ने अपना जो ये टेरिटरी एक्सपेंड किया, तो उनका जो टेरिटरीज था वो साउथ में भी आ गया। तो जैसे ही साउथ में आया तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे कोई भी लोकल ज़मींदार नहीं था। तो यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल ज़मींदार होते ही नहीं थे, कोई यहाँ पर ट्रेडिशनल ज़मींदार था ही नहीं। तो इस सिस्टम में क्या किया गया, इस सिस्टम में इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कनेक्शन बना लिया। मतलब कोई भी मिडल मैन नहीं रखा, जैसे महलवारी सिस्टम में विलेज हेडमैन मिडल मैन हुआ करते थे और परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदार, बट यहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं रखा गया। और जो कल्टीवेटर्स होते थे उनको खुद अपने लैंड का मालिक बना दिया गया, जो कि खेती करते आ रहे थे अपने लैंड पे पीढ़ी दर पीढ़ी से। तो और ये जो सिस्टम था ना, ये सिस्टम सबसे पहले छोटे से स्केल में किसके द्वारा ट्राई किया गया था, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। और बाद में इस सिस्टम को डेवलप किसके द्वारा किया गया, थॉमस मनरो के द्वारा। और धीरे धीरे ये जो पूरा सिस्टम था ना, ये धीरे धीरे पूरे साउथ इंडिया में फैल गया ये सिस्टम। और इसमें था कि जो रेयॉर्ड्स होते थे वो खुद इंचार्ज होते थे अपने लैंड के। और जो रेवेन्यू असेसमेंट को बनाने से पहले क्या किया गया था, एक एक फील्ड को अच्छे से सर्वे किया गया था। जैसे ये फील्ड है तो ये कितना फर्टाइल है, क्या क्या इसमें उपज सकता है, उसका रेट क्या होगा, उस हिसाब से यहाँ पे सर्वे पहले किया गया, उसके बाद रेवेन्यू असेसमेंट को बनाया गया था। अब देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम और रियातवारी सिस्टम में। तो जो परमानेंट सेटलमेंट है उसमें ज़मींदार होते थे लैंड ओनर, और जो आपका महलवारी सिस्टम है उसमें पीजेंट हुए, लेकिन जो रियातवारी सिस्टम है उसमें रेयॉर्ड्स खुद हो गए लैंड के ओनर। और जो टैक्स कलेक्ट कौन करता था परमानेंट सेटलमेंट में, ज़मींदार। और महलवारी सिस्टम में कौन टैक्स कलेक्ट करता था, विलेज हेडमैन। और वहीं जो रियातवारी सिस्टम में डायरेक्टली कनेक्शन बना लिया गया और ब्रिटिश खुद कलेक्ट करने लगे टैक्स। तो ब्रिटिशर्स खुद कलेक्ट करते थे टैक्स रियातवारी सिस्टम में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो रेवेन्यू होता था ना, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, वो परमानेंट सेटलमेंट में फिक्स था। महलवारी में बोला गया कि रिवाइज किया जाएगा पीरियडिकली, और रियातवारी में क्या किया गया कि पहले अच्छे से सर्वे कर लिया गया, उसके बाद एक अच्छी तरह से फिक्स कर लिया गया, हाँ इस लैंड से इतना चाहिए, तो उस हिसाब से किया गया। तो यही सब था डिफरेंस परमानेंट और महलवारी और रियातवारी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, फ्रेंड्स आने वाले वीडियोस में हम लोग देखने वाले जो क्रॉप्स फॉर ब्रिटिश, ये जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। और ये नीच कल्टीवेशन क्या था, रियाती कल्टीवेशन क्या था, ये सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे, टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन। फिर इंडिगो कल्टीवेशन का इतना क्यों ज़्यादा, इंडिगो का इतना ज़्यादा डिमांड क्यों था, इंडियन इंडिगो का कैसे, जो वोट प्लांट क्या होता है, वो सब हम लोग आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये दोनों वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी सिस्टम, क्योंकि ये दोनों भी एक तरह के टाइप्स ऑफ रेवेन्यू सिस्टम थे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सब भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन दोनों वीडियो को भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।